1910 के दशक के हिंदुस्तान में तब के पूर्वी पंजाब के रावलपिंडी जिले के टेक्सटाइल उद्योग के एक अदना से कमीशन एजेंट मगर आर्य समाजी उसूलों के पक्के पाबंद हरबंस लाल साहनी ने कहां सोचा था कि घोड़ों की पीठ पर पड़ोस के गुरुकुल से बगावत करके लौट आने वाले उनके दोनों बेटे आने वाले बरसों में मुल्क की कितनी बड़ी शख्सियत बनेंगे। रंगमंच और हिंदी फिल्मों के महान अभिनेता बलराज साहनी और हिंदी के वरिष्ठ साहित्यकार भीष्म साहनी ने उन्हीं मूल्यों को अपनाया जिन्हें उनका परिवेश संशय की नजरों से देखता था। 87 बरस के भीष्म साहनी आज जब पलटकर अपने अतीत को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के आतंकी निजाम में जबकि गांधी टोपी पहनना ही सबसे बड़ी नाफरमानी माना जाता था, तब उनके प्रगतिशील विकास में उनके घर की हवन संध्याओं ने ही उन्हें परंपरागत परिवेश से निकालकर वैष्णव परंपराओं पर प्रश्न चिन्ह लगाना सिखाया और जो कालांतर में उनके धर्म शून्य होने का प्रारंभिक बिंदु बना। बचपन के दूध में घुले माँ की कहानी किस्सों और लड़कपन में 2 साल बड़े भाई बलराज की बागी करतूतों ने उन्हें जिंदगी को एक नए कायदे में जीने के लिए प्रेरित किया। शुरुआती जिंदगी के यही सारे पारिवारिक अंतर्विरोध उनकी जिंदगी का सबब बनकर उभरे और इन्हीं के भीतर से पैदा हुआ एक महान कथा शिल्पी भीष्म साहनी। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में अपने समय में अपने काम में कुछ ऐसा किया होता है कि काम से काम निकलता चला आए और बात बढ़ती चली जाए। भीष्म साहनी हिंदी के एक ऐसे लेखक हैं जिन्हें अगर सिर्फ लेखक कहा जाए तो शायद काफ़ी ना हो। तो भीष्म जी, मैं सबसे पहले तो इसे अपना सौभाग्य मानता हूँ कि आपसे बात कर रहा हूँ। बस्तियाँ, मोहल्ले, शहर, जंगल, वीराने, नदियाँ, रेगिस्तान पार करता हुआ एक शख्स जो है वो ऐसी जगह अब पहुंचा है जहां से उसे सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है। कहां कहां से वो गुज़रता हुआ आया है, कौन से वो रास्ते थे, उसकी जो फीलिंग्स होती हैं, इनके जो भाव हैं, ये क्या क्या होते हैं। अजीब बात ये है कि छोटी उम्र में जिन बातों की तरफ ध्यान ज़्यादा नहीं जाता था, अब वो ज़्यादा अहम नज़र आती हैं। और जो उन दिनों बहुत मामूली और निरर्थक सी लगा करती थी, कुछ ऐसे चेहरे भी, कुछ यादें हैं जो बरबस आज भी दिल को छूती हैं। माँ के मुँह से सुने हुए गीत, माँ के मुँह से सुनी हुई बच्चों की कहानियाँ। और मैं बहुत देर तक समझता रहा कि मुझ पे मेरे वालिद का, पिताजी का असर ज़्यादा हुआ है माँ की बनिस्बत, लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि ऐसा नहीं है। माँ ने मुझे ज़्यादा प्रभावित किया है। परिवार आपका जहाँ से हमने बात शुरू की थी, तो वो पूरा पारिवारिक वातावरण क्या था, ज़रा उसके बारे में। माता जी क्या कर रही हैं, बहनें क्या कर रही हैं, घर में पड़ोसियों के साथ क्या हो रहा है, कैसा चलता था? पारिवारिक वातावरण अच्छा था, प्यार था उसमें, मोहब्बत थी। मेरी 2 बहनें थीं, जो हम 2 भाई थे, हमारी 2 बड़ी बहनें थीं। लेकिन मेरे और बलराज के जन्म से पहले 3 बहनें हमारी पहले भी हुआ करती थीं, जो एक के बाद एक फौत हो चुकी थी। तो कभी कभी अब माँ को याद करता हूँ तो जो माँ के दिल में दर्द था उनको, बेटियों को याद करके, वो बड़ा गहरा था। मसलन माँ जो गीत मुझे सुनाती, मैं अक्सर बीमार रहता था छोटी उम्र में, तो जो मुझे गीत सुनाती वो बड़े अवसाद भरे गीत होते। और अगर पिताजी का दफ्तर नीचे हुआ करता था, वो सुन लेते तो वो वहीं से आवाज़ लगाते कि ऐसे गीत मत सुनाओ, बच्चों को ऐसे गीत नहीं सुनाते। अब मैं सोचता हूँ कि माँ क्यों ऐसे गीत सुनाती थी।
कहीं कोई उनके मन में कहीं कोई दुख क्लेश रहता होगा। उसकी एकाध पंक्ति कोई गीत की आप के इस कर्ता से डरते रहियो, कर्ता जो चाहे कर दे, इस तरह के गीत थे। एक बारहमासा हुआ करता था, मैं उस कवि का नाम भूलता हूँ, मुझे बहुत से पद उसके याद हैं। तो वो इस तरह के गीत रहते थे, उदासी भरे, कि ये जो जन्म है ये भगवान का नाम लो तो उसमें सार्थकता है, बाकी अगर तुम दौड़ धूप में लगे रहो कि दौलत तुम्हारे पास आए और ये और वो, तो उसमें नहीं है, इस तरह के गीत है। भीष्म जी, आज की हमारी जो पीढ़ी है, हमारे जो लोग हैं, ये उस बात को कैसे समझेंगे कि ग़ुलाम होने का, महकूमी का दर्द क्या होता है? बात यह है कि आम हिंदुस्तानी का अंग्रेज़ हाकिम के साथ ताल्लुक़ नहीं होता था, हिंदुस्तानी हाकिम के साथ होता था, और पूरा का पूरा एक एस्टेब्लिशमेंट था जिसमें भले ही कोई भी इदारा हो तो ज़्यादातर तो हिंदुस्तानी थे, लेकिन हम ये जानते थे कि बड़ा साहब तो अंग्रेज़ है, उसी की चलती है। और एक आपको किस्सा सुनाऊं, मैं कॉलेज ख़त्म होने के बाद मैं रावलपिंडी चला गया अपने शहर, और मेरे वालिद व्यापार करते थे, उनका दफ्तर था, कमीशन एजेंसी थी, तो मैं उनके साथ व्यापार करने लगा। तो इस सिलसिले में मुझे अक्सर कानपुर जाना होता, क्योंकि एक वहाँ कारखाना था जिसकी एजेंसी हमारे पास थी। एक मर्तबा मैं इलाहाबाद से दिल्ली की तरफ जा रहा था रेलगाड़ी में, तो मुझे ख्याल आया कि मैं कानपुर रास्ते में पड़ता है, वहाँ एक दिन के लिए रुक जाऊँ और कुछ काम था कर लूँ। तो लेकिन ये मुझे मालूम नहीं था कि मैं अपना सफ़र बीच में तोड़ सकता हूँ या नहीं, तो मैंने सोचा कानपुर स्टेशन पर मैं दरियाफ्त कर लूँगा। तो वहाँ एक इंक्वायरी ऑफिस था, ये लड़ाई के दिनों की, जंग के दिनों की बात है। तो मैं भागा हुआ गया पूछने कि क्या मैं सफ़र, मैं विंडो पर खड़ा था, एक अधेड़ उम्र के आदमी अंदर क्लर्क बैठे थे, मैंने अभी सवाल पूछा ही था कि एक अंग्रेज़ गोरा अफसर, फौजी अफसर था, पिस्तौल उसे लटक रही थी, तो उसने मुझे झट से धक्का दिया एक तरफ और उससे कुछ पूछने लगा। तो मेरे मुंह से निकला कि मैं पहले खड़ा था, मैंने अपना सवाल पूछा है आपने, तो उसने मुझे गले से पकड़ा और इतने ज़ोर से धक्का दिया कि मैं लुढ़कता हुआ दूर जा गिरा, और वो अपनी बात पूछ के निकल गया। जब मैं उठा तो वो जो क्लर्क बाबू थे वो मुझे कोसने लगे कि देख नहीं रहे थे साहब बहादुर हैं, पीछे हट जाते, तुम्हें बहुत उतावला, तुम उतावले हो रहे थे, और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हुआ क्या है। और एक जमादार था वहाँ, झाड़ू लगा रहा था प्लेटफॉर्म पर, उसने हमदर्दी जाहिर की मेरी तरफ और उसे गोरे अफसर को बुरा भला कहता रहा। किसी रचना के जन्म से भी ज्यादा पेचीदा, मुश्किल और घुमावदार होती है एक रचनाकार के जन्म की कहानी। युवक भीष्म के साहित्यकार भीष्म साहनी बनने की प्रक्रिया में ये पेचीदगी और घुमाव साफ नजर आते हैं। 20वीं सदी का ये युग बेहद संवेदनशील युग था। ये युग था ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारतीय चेतना के एक नए ज्वार का युग। ये युग था गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के उभार का युग। ये युग था बंगाल में भीषण जानलेवा अकाल का युग। ये युग था अंग्रेजी हुक्कामों के गहरे दमन का युग।
ये एक ऐसा युग था जिसकी कोख में पनप रहे थे जबरदस्त जन विद्रोह और फूट रही थी आजादी की ललक। उहापोहों से भरे इसी युग में प्रस्फुटित हो रहा था भीष्म साहनी का रचनाकार, जिसकी शुरुआत हुई रंगमंच के एक अभिनेता और निर्देशक के रूप में। अभिनय निर्देशन से चलती हुई यही रेख सीधी पहुंचती है उनके स्वतंत्र कथाकार रूप तक। ये आपकी जो शुरुआत है ये एक अभिनेता के रूप में पहले हुई और लेखक के रूप में बाद में? नहीं, लेखक तो गाहे गाहे था। मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता था जब मैंने एक कहानी लिखी, तो इंटरमीडिएट कॉलेज था, उसकी पत्रिका में वो छप गई, मैं बड़ा खुश। फिर उसके बाद जब मैं लाहौर पढ़ने गया तो लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज की एक पत्रिका थी रावी नाम से, उसमें फिर दी, कुछ एक और भी दी, चलती रही। वो कहानी याद है आपको कुछ, क्या थी वो? याद करना चाहता नहीं हूँ, याद तो है। अच्छा। उसमें कुछ नहीं है। अबला नाम से था, अबला। और शायद हर हिंदी का लेखक पहले अबला से ही शुरू करता है। तो लेखन को फिर आपने? लेखन ऐसा रहा, रावलपिंडी एक तरह से अलग थलग जगह थी। उर्दू के लेखक तो कुछ एक थे और गाहे गाहे मिलते भी थे, उनके साथ उठना बैठना भी था, लेकिन हिंदी लेखन में कोई नहीं था, ज़्यादा नहीं थे। लेकिन दिल्ली में मेरी फुफेरी बहन रहती थी, उसे लिखने का शौक़ था और उसके साथ मेरा संपर्क था। और फिर मैं जब बिजनेस करने लगा अपने पिताजी के साथ, तो मैं अक्सर दिल्ली जाया करता था, तो किताबों के बारे में पता चलता। फिर मैं किताबें खरीदने भी लगा, महादेवी वर्मा की यामा छप कर आई थी, वो ली, अतीत के चलचित्र छप कर आई थी, फिर शरद चंद्र का सारा सेट 18 रुपए में मिलता था उन दिनों, 8-8 आने का, वो लिया मैंने। तो इस तरह संपर्क बनता रहा। अच्छा भीष्म जी, ये थोड़ा सा बताइए कि लेखक एक लंबे समय तक काम करता है तो अपने आप भी वो कुछ बातें, यानी दूसरे लोग तो बताते ही हैं या रिएक्ट करते हैं, लेकिन लेखक अपने आप भी कुछ सोचता है कि मैंने ऐसा किया था, अब ये नहीं करूँगा, ऐसा करूँगा, अब मैं इस दिशा में कहानी को आगे बढ़ाऊँगा, इस तरह की बातें भी आपके सामने आई होंगी? बात यह है कि हर एक लेखक किसी दूसरे लेखन से मुतासर तो ज़रूर होता है। मेरे बचपन के ज़माने में प्रेमचंद बड़े लोकप्रिय थे और सुदर्शन और एक दो और लेखक थे, तो उनकी रचनाएं पढ़ने को मिल जाती थी, क्योंकि आर्य समाज का जलसा होता और वहाँ वो बाहर से लोग किताबें बेचने आते तो उनके स्टॉल लग जाते, तो हम वहाँ से ले आते थे। प्रेमचंद की एक कहानी ने मुझे, अब मुझे उसका नाम भी याद नहीं है, लेकिन कोई क्लर्क है जो अपने साहब के घर मिलने जाता है और फाटक पर साहब का कुत्ता उस पर पिल पड़ता है। ये अब मुझे अभी भी मालूम नहीं कि ये कौन सी कहानी थी, लेकिन उन दिनों पढ़ी थी और इसने मेरे मन पर बहुत गहरा असर किया था, मैं भूल नहीं पाता था। फिर इसी तरह सुदर्शन की एक कहानी थी जिसमें एक साधु का घोड़ा कोई चुरा के ले जाता है, ये बड़ी मशहूर कहानी थी। इस तरह की कहानियाँ पढ़ते रहते थे। 80 के दशक में दूरदर्शन ने तमस नाम के धारावाहिक का प्रसारण किया। सन 47 के बंटवारे से जुड़ी त्रासदियों की विभीषिका से रचे इस धारावाहिक ने भारतीय दर्शकों के दिलो दिमाग को हिला कर रख दिया। सुप्रसिद्ध फिल्मकार गोविंद नेहलानी की इस मूल फिल्म का धारावाहिक रूपांतरण दरअसल भीष्म साहनी के बहुचर्चित उपन्यास पर आधारित था, जिसे पार्टीशन के समय के झेले गए अपने निजी अनुभवों के आधार पर उन्होंने रचा था। तमस उपन्यास के प्रकाशन पर जितनी गहरी प्रतिक्रिया हुई, इसके प्रसारण पर इससे भी ज्यादा बड़ी प्रतिक्रिया हुई।
तमस न सिर्फ सभी भारतीय भाषाओं में प्रकाशित हुआ बल्कि दुनिया की अनेक प्रमुख भाषाओं में इसके अनुवाद किए गए। सिर्फ मृत्यु और विनाश की कथा नहीं, जिंदगी की सकारात्मक रोशनी की झलक देते हैं भीष्म साहनी तमस में। अच्छा, ये जो बहुचर्चित आपका उपन्यास तमस है, जिसमें इसको आपने इतने लंबे समय के गैप के बाद, अंतराल के बाद, उसके बाद लिखा, तो ये इतना क्यों आप रुके रहे, क्या उसकी वजह थी कोई ख़ास? वजह साहब, ये घटनाएं तो घटी 1947 में, उसके बाद तो जिंदगी पहले ढर्रे पर तो नहीं चलती थी। घर से बेघर हुए, परिवार का कोई सदस्य एक जगह, कोई दूसरी जगह बिखरा हुआ था, और उससे जुड़ने में भी देर लगी। मेरे पिताजी अकेले रह गए रावलपिंडी में, बिल्कुल निपट अकेले, क्योंकि अजीब के साथ ये हुआ कि उस वक्त किसी का ख्याल नहीं, सभी लोग ये नहीं कहते थे कि हम घर छोड़ के चले जाएंगे। मेरे वालिद तो आखिर तक यही मानते रहे कि नहीं, अमलदारियाँ बदल जाती हैं लेकिन लोग तो वहीं रहते हैं, यहाँ उनका ये विश्वास था, और वो वहीं बने रहे। 13 अगस्त को, अगस्त को जब यहाँ समारोह होने जा रहा था आज़ादी का, तो मेरे अंदर बड़ी ख्वाहिश उठी कि मैं जाके देखूं, और मैंने पिताजी से कहा कि मैं जा रहा हूँ, मैं हफ्ते भर में लौट आऊँगा। तो कहने लगे ठीक है, 13 अगस्त की बात है। फ्रंटियर मेल में मैं बैठा, लेकिन जब गाड़ी मेरठ पहुंची, या मेरठ रास्ते में पड़ता था, ये क्या पड़ता था, वहाँ पता चला कि गाड़ियाँ बंद हो गई दोनों के बीच में। अब मैं तो समारोह देखने आया था, लेकिन पिताजी से मेरा संपर्क कट गया। मैंने तार दिया, उन्होंने नहीं मिला, चिट्ठियाँ लिखीं, कोई नहीं मिला। फिर मैं घबरा गया, क्योंकि हमारे घर के और लोग श्रीनगर में थे, मेरी माँ, मेरी बेटी, मेरी पत्नी, बलराज जी के बच्चे श्रीनगर में थे, और बलराज बम्बई में थे। तो अब संपर्क कैसे हो, तो मैं दिल्ली से बम्बई चला गया। मतलब ये कि 2-1 साल तो निकल गए इसी में सेटल होने में। फिर क्या करें क्या ना करें, दिन बीतते गए। मतलब ये कि जड़ जमाने में वक्त लगा, वक्त लगा, इसलिए जो है वो उपन्यास। लेकिन लेकिन भिवंडी में एक वो हुआ था, फिसाद हुआ था। उन दिनों मैं बम्बई में था, और बलराज और खादा अहमद अब्बास और तो एक और आदमी देखने जा रहे थे फसाद के बाद। तो मैंने कहा मुझे भी ले चलो, तो मैं भी उनके साथ मोटर में बैठ गया और वहाँ गए, और जो भिवंडी का मंजर देखा तो मुझे सब याद आ गया। भिवंडी में वही कुछ हुआ था जो रावलपिंडी में हुआ था, या उन दिनों और जगह पर हुआ था। जला हुआ शहर, लोग भागे हुए, सड़कों पर सामान का हुआ, इस तरह सारा का सारा माहौल, वीरानी और इस तरह। फिर मैंने जब मैं लौट के आया दिल्ली, तो अचानक ही लिखने लगा ऐसे। हजारी प्रसाद द्विवेदी से लेकर फैज अहमद फैज, और तब से लेकर आज तक न जाने कितने युवा और प्रौढ़ रचनाकारों से गहरा साबका रहा है भीष्म साहनी का। भारतीय साहित्य के 8 दशक लंबे इतिहास को उन्होंने रचा भी है और बांचा भी। एक अच्छे अनुवादक के रूप में भी उन्होंने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। सवाल चाहे कहानी का हो या कविता का, नाटक का हो या आलोचना का, लेखन की सभी विधाओं का उन्होंने गहरा विवेचन किया और उसे लेकर बनाई है अपनी एक खास समझ। दरअसल एक आईना बन चुके हैं भीष्म साहनी, जिसमें हिंदी साहित्य और समूचा भारतीय साहित्य अपना अक्स तलाशता है। आप एक लंबे अरसे वहाँ रहे सोवियत यूनियन में,
और अनुवाद में भी बहुत महत्वपूर्ण आपका योगदान है इस क्षेत्र में। तो ये बताइए कि वहाँ आपने रूसी भाषा सीखी होगी, तो वो किस प्रकार से रहा वो पूरा अनुभव आपका? सबसे बड़ी दिक्कत तो ये थी कि आम लोगों के साथ मुझे बोलचाल का मौका नहीं मिला। मैं किताबों के ज़रिए सीख रहा था, तो किताबों में ये था कि व्याकरण सीखो और व्याकरण के मुताबिक, तो व्याकरण मेरे दिमाग पर ऐसा हावी हुआ कि मैं हर बात में ये इस बात का मुझे डर लगे कि मैंने वर्ब ठीक इस्तेमाल किया या नहीं किया। तो और लोग तो आगे बढ़ते जाते थे, मैं रुका हुआ था। जब भी कभी किसी मेल मिलाप होते, पार्टी वार्टी हो, और मैं रूसी बोलते बोलते चुप हो जाऊं, तो मेरे एक दोस्त की बीवी रूसी थी, वो कहा करती कि अप्यात ग्रामातिका, कि इसके गले में व्याकरण अटका हुआ है, नहीं बोल पाएगा। भीष्म जी, आपने पिछले एक लंबे अरसे बहुत से लेखकों से आपकी मुलाकातें रही होंगी, उर्दू के, हिंदी के, पंजाबी के, बहुत बड़े लेखक, मान लीजिए फैज़ अहमद फैज़ हैं, सरदार जाफरी हैं, और हिंदी में भी इसी तरह से जो हमारे महत्वपूर्ण लेखक रहे। तो उनके बारे में कुछ, उनके उनसे बातचीत में कुछ सीखना समझना, इसकी प्रक्रिया कैसे चलती है? फैज़ अहमद फैज़ के साथ तो मैं एफ्रो एशियन राइटर्स के सिलसिले में ज़्यादा रहा, उनसे पहले भी मुलाकात थी, बहुत कम। हालांकि मैंने उन्हें वार के ज़माने में फौजी वर्दी में देखा था, मेजर बने थे और रावलपिंडी आए थे, तो पहली मुलाकात वहाँ हुई एक निशस्त में। बाद में उनके साथ काम करने का मौका मिला और बहुत ही मुतासर हुआ मैं। और एक तो अब विनम्रता होती है इंसान की, जो उसके कैरेक्टर का हिस्सा होती है, खुलापन और प्यार मोहब्बत, ये बड़े उनमें गुण थे। एक वो याद आए, बड़ी याद आते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के साथ भी मेरा किसी हद तक रहा। मैं कुछ अरसे के लिए बनारस चला गया था, मैं PhD करना चाहता था, तो वहाँ साहित्य पढ़ने के लिए गया, तो बनारसी दास जी ना इनका हजारी प्रसाद जी का मेरे भाई के साथ दोस्ती थी, किसी ज़माने में दोनों शांति निकेतन में रहे थे, तो इस नाते भी और यूँ भी वो उनके साथ जो दिन बीते वो उन्होंने मुझे प्रभावित किया। उनका उत्साह जो था लेखन के प्रति, विचार के प्रति एक उदार मन, और फिर जब मैंने उनकी रचनाएं पढ़ी, विशेष रूप से कबीर पर जो पढ़ा, बड़ा मैं प्रभावित हुआ। तो भीष्म जी, बातें तो अभी बहुत सी रह गई हैं, लेकिन ये है कि जो आपके साथ ये बातचीत हुई उसमें कई पहलू सामने हमारे आए, और निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण और बहुत उपयोगी बातें हुई। बहुत अच्छा लगा, और मिल बैठने का मौका मिला आपके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।